तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस वो पढ़ा है, और क्या करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक सिंपल सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका वीडियो देखिए। तो प्रॉब्लम आपको जो दी गई है वो ये कि आपके पास एक एसी सर्किट है जिसमें आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है। आप कहते हो कि जो पीक करंट करंट का एम्पलीट्यूड उस सर्किट में कितना हो, 250 माइक्रो एम्पियर हो, जब पीक वोल्टेज वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना हो, 3.6 वोल्ट हो, फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 1.6 मेगाहर्ट्ज़। ये देगी आपको, आपको पता करना है कि भाई इंडक्टेंस, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होना चाहिए, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कितनी होगी, और फाइनली अगर मैं वोल्टेज का एम्पलीट्यूड सेम रखूं लेकिन फ्रीक्वेंसी को 10 गुना इंक्रीज कर दूं तो करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो पता करने का आपको। तो इससे पहले आगे बढ़े, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, अगर आप देखो ये कोई खाली सर्किट नहीं है हमारे पास, ये एक रेडियो का रिसीवर है, वो सर्किट है ये। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पता कीजिए कि भाई कैसे ये एक रेडियो का रिसीवर है। और दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एसी सर्किट में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि भाई क्लियरली, बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है वो पीक वैल्यूज हैं यानी एम्पलीट्यूड्स हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, या फिर आरएमएस वैल्यूज हैं। एम्पलीट्यूड होगा जो पीक वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी इन दो क्वांटिटीज को वो चेंज करती रहेगी हमेशा, और आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू होगी। अगर आपको पीक वैल्यू पता तो वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तीनों में से कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, कॉन्सेप्ट अलग यूज होने वाले हैं, इक्वेशंस अलग यूज होने वाली हैं। डीसी सर्किट में आपके पास एक ही वैल्यू थी और वो वाली कॉन्स्टेंट होती थी तो चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो अब अगर आपको पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड वैल्यू दी गई है या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी गई है तो आपको बोला जाएगा कि भाई ये पीक वैल्यू है या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे यहां पे आपको बोला गया, यहां पे दोनों वैल्यूज क्या है, पीक वैल्यूज हैं। अगर नहीं बोला गया कि भाई किस तरह की वैल्यू है तो वो आरएमएस वैल्यू होगी, वो एवरेज वैल्यू होगी। जैसे मोस्टली आपकी एनसीईआरटी की किताबें जितनी भी प्रॉब्लम दी गई हैं उसमें नहीं बताया गया कि भाई पीक वैल्यू है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो वो आरएमएस वैल्यू होगी। तो उसको अगर आपको पीक में कन्वर्ट करने का, तो वो कन्वर्शन जो हमने देखा था आरएमएस वैल्यू में कि मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पीक वैल्यू निकालने के लिए, तो कन्वर्शन कीजिए। तो अभी शुरू करते हैं इसको। तो यहां पर आपके पास करंट और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वैल्यूज दी गई हैं, पीक वैल्यूज दी गई हैं, मैक्सिमम वैल्यूज दी गई हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वी एम इजकल टू आई एम इन टू रेजिस्टेंस आर, वो यूज कर सकते हैं। वी एम इजकल टू आई एम इन टू एक्सएल, एक्सएल क्या है, यहाँ की रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसी सर्किट के लिए कि भाई ये वाला जो रिलेशनशिप है वी इजकल टू आई आर, ये आप खाली एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आप वी इजकल टू आई आर नहीं यूज कर सकते। और बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, उसको हमने थोड़ा डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको आप याद में रखिए। ठीक है, तो आपके पास वी एम पता है, आई एम पता है, यहाँ से आपके पास एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14.4 किलो ओम्स। तो ये आ गया आपके पास क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अभी एक्सएल हमने निकाल दिया, अभी क्या करते हैं हम लोग एल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो अपने को पता है कि भाई जो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टर के केस में वो किसके बराबर होता है, एल ओमेगा। एल क्या है, इंडक्टेंस, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आपको इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, ओमेगा 2πf के बराबर होता है। एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, राइट। आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको एक्सएल पता है, तो यहाँ से आप इंडक्टेंस आप बराबर से निकाल सकते हैं। या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंडक्टेंस कितनी आएगी, 1.43 मिली हेनरी। तो आपने इंडक्टेंस भी निकाल दी इस इंडक्टर की। तो अभी फाइनल क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि भाई आपका वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहे लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ा रहे हो, 16 मेगाहर्ट्ज कर रहे हो, तो इससे करंट एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी इसको 10 गुना बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी को 10 गुना बढ़ा रहे हो, तो जो आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला इंडक्टर, वो भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर 10 गुना रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो 10 गुना कम हो जाएगा। तो इससे देख सकते हैं कि भाई कैसे एक एसी सर्किट में जो आपने कंपोनेंट लगाया हुआ, डिवाइस लगाया हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंडक्टर लगाया, उसको छेड़े बिना, उसको टच किए बिना, कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ खेल के आप सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ खेल सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा बहुत जगह पे होता है, इंक्लूडिंग आपका जो रेडियो रिसीवर है उसमें होता है, और उसकी कभी बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आज